भाई अभी सिलवा रहे हैं अपना स्टेरिंग कवर, देख सकते हैं भैया अभी सिल रहे हैं इसको। तो फाइनली भाई स्टेरिंग कवर लग के हो चुका है तैयार और भाई काफी सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं भाई कितना प्यारा लग रहा है ना पोजन, अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, कैसे हैं भैया, क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम दीपू है। दीपू भैया, तो कुछ इसी तरीके से भाई से मुलाकात हुआ था। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। भाई सुबह का टाइम है, हम और हमारा भाई पोषण दोनों आदमी निकल चुके हैं नदेसर के लिए, क्योंकि भाई साहब आज ना रेड कलर का इसका जो कवर आता है स्टीयरिंग कवर, वो हम लोग चढ़वाने वाले हैं अपने गाड़ी पे, क्योंकि स्टीयरिंग ना मेरा पूरा यहाँ पे दागी पड़ जा रहा है और छेदा छेदा हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। फिलहाल भाई आज पोषण खाली था, बोला कि हम चलेंगे, चला के अमली चलो भाई अपना ही गाड़ी है, टेरिजा नया नहीं पता है, इसके आंख में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसीलिए एकदम भोकाल में रहा, चश्मा वगैरह लगा के हैंडसम लग रहा है बंदा। रेड कलर का अगर स्टीयरिंग कवर लगवाए काफी अच्छा लगेगा, अच्छा इसलिए लगेगा ना क्योंकि ये भी रेड है, ये भी रेड है और ये भी रेड है और ये भी रेड है, तो रेड रेड के हिसाब से अगर यहाँ पे भी अगर रेड लग जाएगा ना तो काफी मस्त वाला लुक आने वाला है यार। काफी दिनों बाद भाई अपने गाड़ी पे हम बैठ के जा रहे हैं और पोषण ड्राइव कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है भाई क्योंकि हमेशा ड्राइव करते करते ना भी इंसान बोर हो जाता है भाई, थोड़ा सा बैठ के भी चलना चाहिए, किसी और को देना चाहिए चलाने के लिए कभी कभी गाड़ी भाई। एक बार महादेव का नाम हो जाए, नमः पार्वती पताये हारा हारा महादेव, जय सियाराम। सुबह सुबह भाई जाम का समस्या काफी हो जाता वाराणसी में, एक सुबह के टाइम पे एक शाम के टाइम पे, दोपहर को आओगे ना पूरा खाली मिलेगा रोड। तो आ जाते हैं कमेंट की ओर, तो एक भाई है के डी सी क्रिएशन के नाम से, भाई आपके जैसा सोच अगर सबको होगा तो इस देश में गरीबी दूर हो जाएगा, लव यू फ्रॉम झारखंड। तो भाई सबका तो नहीं पता, गरीबी का नहीं पता खत्म होगा या नहीं होगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम प्रयास करते हैं अपने तरीके से भाई। लक्ष्मण कुमार भाई का कमेंट आया है, मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते हो, बिग फैन, लव फ्रॉम गिरिडीह। तो सॉरी भाई ध्यान नहीं दिए होंगे यार, बाकी बहुत सारा कमेंट आप लोगों का आता है तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही कमेंट करिए, मोटिवेट करिए हमें अच्छा अच्छा कमेंट करके। नादेसर मार्केट, तो भाई इधर ले लेना ठीक है, राइट साइड में ये देखो भाई हमारा इंडियन आर्मी भाई गोरखा ट्रेनिंग सेंटर से जा रहा है, जय हिंद। सो फाइनली पहुंच चुके हैं दुकान पे, भैया को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, कुछ भी काम रहता है भैया के दुकान पे आ जाते हैं, और लाइट अगर भी बहुत सारा यहाँ से लिया हुआ है, और आज स्टीयरिंग कवर भैया के दुकान से लगाएंगे, तो भैया किसी को बुला दीजिए, चाहिए वाला और भी कोई आता है? अच्छा भैया पूरा गड्ढी निकाल के रख दिए मेरे सामने, ये सिलाई वाला है ना? नहीं हम सोच रहे एकदम रेड में जो आता है वाला नहीं मिलेगा, नहीं ये ऐसा मिलेगा ना, अच्छा तो ये वाला लगा दिएगा, ये लगवा ले पोषण, पोषण। तो भैया फिलहाल खोल के दिखा रहे हैं, एक भैया गिर गया वहाँ पे, तो ये वाला कलर सही लग रहा है भैया, ये वाला लगवाएं गंदा जल्दी हो जाएगा लग रहा है ना, चलेगा चलेगा चलिए, फिर गंदा हो जाएगा तो फिर चेंज करवा लिया जाएगा, तो भैया ये वाला फाइनल कर दीजिए, इसी को लगा लेते हैं ठीक है, एक डिजाइन ये है ना, इसी को डन करिए ठीक है, इसी को। हेलो भाई, फिलहाल अभी भैया लगा भी रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपना काम हो चुका है चालू। भाई ये रेट बताएंगे आप लोग कितने का पड़ा है, देख सकते हैं काफ़ी मस्त है, और ये जब लग जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा भैया, इसको पहले खोल लीजिए, इसको खोलने के बाद भैया लगाएंगे भी अपने गाड़ी में लेदर, ये देख सकते हैं। चल भाई अभी सिलवा रहे हैं अपना स्टीयरिंग कवर, देख सकते हैं भैया अभी सिल रहे हैं इसको, और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है भाई, न्यू स्टीयरिंग कवर, बहुत दिनों से हम सोच भी रहे थे लगवाना है लगवाना है, तो एक्चुअली टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, और काफ़ी आप लोग कमेंट आया भाई लगवाओ, तो ये कितने का है बताएंगे, पहले भैया को लगा लेने देते हैं, आराम से डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से टाइट करके सिलना पड़ता है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, ये देख सकते हैं। तो फाइनली भाई स्टीयरिंग कवर लग के हो चुका है तैयार और भाई काफ़ी सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं ये देखो भाई, ये चेक करो कितना मस्त लग रहा है देखने में इसका लुक, और ये देख रहे हो पूरा ये सिलाई हो चुका है बारीकी से, पूरा ये सिलाई हो के यहाँ से आया हुआ है, पूरा ये देखो पूरा सिलाई हो चुका है देखो। तो फाइनली भाई न्यू स्टीयरिंग हो चुका है अपना कंप्लीट, देख सकते हैं
और इसमें जो काम है ना वो काफी प्यारा लग रहा है। सिलाई अगर भी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है पोर्शन, तुम चलाओगे हम चलाएं? तुमको चलाना है तो चलाओ, ठीक है आ जाओ। इसको लगवाने में ना 500 रुपए लगा है, मतलब ये पूरा सिलवाई लेके और ये जो मटेरियल मैंने खरीदा है इसको लेके टोटल खर्चा 500 रुपया। पोर्शन दे दो भैया को पैसा। भाई कितना प्यारा लग रहा है ना पोर्शन, अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये देखो, बताया था ना कुछ लुक लगेगा आप लोगों को, देखो ये देखो, ये देखो और इसको देखो, मस्त लग रहा है भाई देखने में। तो फिलहाल भाई फ्लाई ओवर के ऊपर चढ़ चुके हैं, अभी ये चेक कर रहे हो भाई साहब, पूरा कोयला वाला ट्रेन है भाई। और ये बगल में वाराणसी स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन, नीचे से जा सकते थे भाई, काफी जाम रहता है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि फ्लाई ओवर के ऊपर चढ़ते हैं और फटाफट उड़ के आगे निकल जाए। आरपीएफ का भर्ती होता है ना तो इसी वाले ग्राउंड में होता है, ठीक है। ये देखो, ये बगल में पूरा रेलवे क्वार्टर है और इसी ग्राउंड के पीछे, मतलब ये जो मकान है इसी के बगल में ग्राउंड है, यहीं पे होता है आरपीएफ का, जो दौड़ाया जाता है आरपीएफ के बच्चों को, रनिंग अगर होता है वो यहीं पे होता है, पूरा फोर्स अगर लगा होता है। और बगल में है भाई कैंसर हॉस्पिटल जो कि काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। तो भाई देखा आप लोगों ने, हम गए थे लगवाने के लिए, लगवा के आ गया, यहाँ पे वेट कर रहे थे एक दोस्त का और एक सब्सक्राइबर भाई जो कि अपने गाड़ी से, आपका गाड़ी है? हाँ भैया, क्या नाम आपका? विक्की नाम। अच्छा, विक्की भैया है जो कि वीडियो देखते हैं, देख के पहचान गया, तो हाय हेलो हुआ, फिर भाई साथ ही फोटो कर लेंगे, भाई अभी निकलेंगे आगे। तो भैया अभी गाड़ी का मेरे फोटो वगैरह खींच रहे थे, बोल रहे थे कि इसी तरीके का हम अपने मैजिक में बनवाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा ना कि फिनिशिंग, मतलब ऐसा जो देखे देने वाला हो, पहले फोटो आप खींच के दिखा दीजिएगा उसको कि भाई ऐसा हमको बनवाना है, अगर जो दे पाएगा उसी को बनवाइएगा, ठीक है। फिलहाल भाई हम लोग को बाटी चोखा खाना है, पोषण का मन हो गया, हमारा मन हो गया, और मौसम भी देख रहे हो इतना प्यारा मौसम है ना, हाय हाय भाई, बाटी चोखा मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चौराहे पे, बाटी चोखा खाएंगे, मस्त मज़ा आने वाला, तुमको भी खाना है भाई? दोनों आदमी खाएंगे क्या? चलो। तो फाइनली अभी पोषण के साथ में चल रहा है पार्टी, बाटी चोखे का, ठीक है। तो यहाँ चेक कर रहे हो भाई, ये देखो पोषण इधर खा रहा है बाटी चोखा और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक अपना रखा हुआ है, और इधर भी हम बाटी चोखा खा रहे हैं, मस्त भाई मजा आ रहा खा के, एकदम घी वाला बाटी चोखा मिला हम लोगों को, ये देखिए। तो हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, कैसे हैं भैया? क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम दीपू है। दीपू भैया, अरे भाई हमको भी सब दीपू नाम से ही पहचानते हैं बनारस में। हाँ दीपक, दीपक नहीं। तो आपका क्या नाम हुआ भैया? प्रिंस नाम है। प्रिंस नाम है। प्रिंस और दीपू भाई मिले हैं जो कि काफी दिनों से वीडियो देख रहे हैं। वीडियो किस में देखते हैं? यूट्यूब में, फेसबुक में? फेसबुक पे। अरे भाई क्या बात है यार, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए भाई निकलते हैं, ठीक है भाई। तो फिलहाल बाटी चोखा अगर खा लिया, अभी निकलना है भाई घर की तरफ, घर पे भी खाना अगर खाना है तो रेस्ट करना है, फिर शाम को निकलना है बाइक से, जरूरी काम है। तो देख सकते हैं अभी मौसम काफी मस्त हो रखा है और ड्राइव कर रहा है पोषण गाड़ी। तो अभी ना प्रदीप भाई भी आ रहे हैं हमारे, उनसे ही मुलाकात कर लेंगे क्योंकि उनका गाड़ी भाई एक महीने से लोड हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था मैंने कि इस समय गाड़ी अगर भाई लेना तो भाई सोच समझ के लेना, पुराना ड्राइवर को गाड़ी का बुकिंग नहीं मिल पा रहा है, तो जो नए आएंगे वो क्या ही फिर करेंगे। तो प्रदीप भाई खुद हमारा गाड़ी चलवाते हैं, कभी कभी बुकिंग रहता है तो हमको फ़ोन करते हैं, लेकिन आज उनके पास भी भाड़ा नहीं है, सोच सकते हैं। तो एक महीने बाद ये निकले हैं, घर से बंदा जा रहा है नगर के साइड जाएंगे लोड करके, तो देखते हैं। प्रदीप भाई आगे हमारा वेट कर रहे हैं, चलते हैं आप लोगों से मुलाकात करवाते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं, ये हमारे प्रदीप भाई, भाई साहब का गाड़ी एक महीने से खड़ी है, जैसे कि आप लोगों को बताया। हाँ देव सभी को दोस्तों जैसे कि बताया कि भाई खुद ही हमको बुकिंग देता था और भाई का गाड़ी देखो एक महीना से खड़ा है, समय समय की बात है। बीडीएम भाई से और हमारी मुलाकात बुकिंग के थ्रू होती थी, गाड़ी लिए थी ना तो आते थे प्रदीप भाई। अच्छा वो वाला डायलॉग आपको ये बताते हैं कैसे प्रदीप भाई को फोन करते थे, रुको अभी 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 बताते हैं, काफी आप लोग मजा लेंगे, रुको बताते हैं अभी बताते। हाँ प्रदीप भाई नमस्ते। हाँ 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 नमस्ते नमस्ते। अरे भैया गुरुजी नंबर दिए हैं, लोडिंग करना है गाड़ी, बोले मधुपुर से मिर्चा लोड करने के लिए। हाँ हाँ हमारी बुलेरो पिकअप है, समस्तीपुर चले जाएंगे भैया, क्यों नहीं चले जाएंगे समस्तीपुर भैया? अच्छा अच्छा कितना भाड़ा देंगे भैया? हाँ आ जाइए, 13-14 हज़ार मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक भैया, देखिए नए नए हम चलवा देंगे ना गाड़ी। अरे हाँ हाँ चल जाएगी गाड़ी आपकी, तो कुछ इसी तरीके से
भाई से मुलाकात हुआ था। और मैं क्या बोलता था इनको, हाँ ये जब खाली कर लेते थे बोलते थे भैया खाली हो गया, कहाँ हो, मैं बस पटना से निकले हैं वापस आए। इतना जोश था बंदे ने, नई गाड़ी लिया था ना कि आ रहा हूँ लोड करना, क्योंकि भाई अपने पास देखो काम नहीं था सबसे बड़ी बात। और गुरु से हम न्यू मुलाकात की थी उस समय, और मेरे पास इतना काम रहता था ना कि गुरुजी की गाड़ियाँ लोड हो जाती थी, मतलब 8-10 गाड़ी पर डे लोड करा देता था। और आस पड़ोस का भी गाड़ी चलता था इनके पास सब, लेकिन अब थोड़ा सा कट गए हैं, अभी फिर से हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं। और मैं तो भाई साहब को कभी बार बार बताता कि भाई ट्रांसपोर्ट वाला ही काम कर लो, ठीक है, गाड़ी तो इनके पास है ही है, ड्राइवर भी इनके पास, आप लोग बढ़िया ड्राइवर रखे भाई, ड्राइवर संभाल लेगा, आप ट्रांसपोर्ट बन जाओ, ट्रांसपोर्टर बन जाओगे ना तो हम लोग को टेंशन नहीं रहेगा कि भाई अपना बंदा ट्रांसपोर्टर है। टेंशन तो सीजन में देखिए 6 महीने तो मैं वैसे भी टेंशन किसी को नहीं होने देता, चुनाव वाले में, मधुपुर वाले में, और चाहे इवन अंबिकापुर में खुद अब नहीं जाना चाहता हूँ इसलिए भाड़ा, क्योंकि वहाँ पे भाड़ा इतना कम हो गया अंबिकापुर, थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा हो गया, भाड़ा कम है कंपटीशन ज्यादा है, जाने का मन ही नहीं करता है कि जाएंगे, अब 2000 बचाना है, रात भर शरीर गलाओ, क्या मतलब पप्पा खराब करो, तो नहीं जाने का इच्छा करता हम लोग का, बस यही सारा मैटर है भाई। कुछ इस तरीके से अपना लाइफ इसमें कट रहा है, कोई खास नहीं है, बस कट रहा है 10 दिन और 10 से 15 दिन, मतलब 20 दिन के अंदर में मधुपुर से आग पकड़ लेगा। आग के वीडियो में भाई बंगाल मिर्चा लेके मैं बिहार और लखनऊ, हाँ मजा करेंगे और लॉन्ग टूर पे फिर आप लोगों से मुलाकात भी होगा, क्या प्रदीप भाई? हाँ बिल्कुल, और ऐसा नहीं है मधुपुर में जाएंगे तो भाई से ही मुलाकात हमेशा होता रहता है, और मुलाकात होगा अभी। सो भाई अभी जा रहा है गाड़ी लोडिंग करने के लिए, वो भी लोकल भाड़ा है, बहुत दूर का नहीं है, गढ़वा जाना है, गढ़वा अंबिकापुर जा सकता हूँ, मतलब दोनों है, जा भी सकता हूँ, नहीं मेरे ऊपर। हाँ ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी भाई को बाय बाय करते हैं, बाय बाय करते हैं भाई, देखो इतने बड़े आदमी हाथ में GoPro इधर एक मिनट ये देखिए सिस्टम, इसीलिए बोला ना बड़े आदमी है भाई, अपन बड़ा आदमी नहीं भाई, 40,000 का फोन ये लिया हो, जैसे अभी आप लोगों को पता ही होगा कि रील्स वगैरह बना रहे हैं थोड़ा बहुत, और फिर मिनी ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं, तो इसका जरूरत इससे होता है, बाकी कैमरे से ब्लॉगिंग वगैरह शूट कर लेता हूं बस, इसीलिए कैमरा का थोड़ा क्वालिटी अच्छा है भाई, इसलिए लेना पड़ा, काम के लेना पड़ा, हमें भी GoPro दिला दो भाई। अभी इनके वीडियो में कमेंट करना आप लोग, GoPro अगर 100 कमेंट इनके वीडियो में आ गए, खाली GoPro के खाली 100 कमेंट, मैं GoPro ले लूँ, तो कमेंट करिए, 100 लोग कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए, भाई ले लेंगे, GoPro लेके दिखा दूंगा इनके चैनल पे भी, मेरे चैनल पे 100 कमेंट और वीडियो पे लाइक 5000 नहीं आएगा, आएगा नहीं कमेंट 100 और 5000 लाइक कर दीजिए, GoPro मैं लेके दिखा दूंगा, कल कर देंगे, कल मैं लाके दिखा दूंगा GoPro, और इसमें सस्ता भी हो गया है, फायदा भी है, इस समय लेने लायक है, 28,000 इस समय लेने लायक भी है। चलो फिर मिलते हैं डायरेक्ट घर पे हम, और भाई को भी छोड़ते हैं लोडिंग करने के लिए। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं और गाड़ी को इधर लगा दिया साइड में, तो पोषण उधर फुटकर पैसा कर ले रहा है, घर पे जाना पड़ेगा उसको, बंद कर दो भाई, शाम को मिलना फिर, ठीक है, शाम को फिर मिलेंगे हम लोग, जाएंगे बाइक से, क्योंकि भाई दिन भर काम करने के बाद शाम को जो थोड़ा टाइम रहता है भाई, थोड़ा घूमते हैं, पोषण है और भी एक दो दोस्त है साथ में ही पे घूमते हैं वाराणसी में, मस्त मज़ा आता है शाम के टाइम पे, क्या है कि घाट अगर हम कहीं बैठे जाते हैं तो हवा वगैरह चलता है शाम को।